सब्सक्राइब करें अफारी न्यूज़ को लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफारी न्यूज़। दोस्तों, किसी भी एनिमल को फाइट के लिए उकसाना गैर कानूनी है। एनिमल्स की सुरक्षा के लिए इंडिया में बहुत से कानून बने हुए हैं, लेकिन आम लोग इनसे अवेयर नहीं हैं। इन कानूनों की जानकारी ना होने के चलते कई बार लोग ऐसी गलतियां करते हैं जिन्हें करने पर उन्हें सजा तक हो सकती है, पर अनजाने में ही सही वे इन एनिमल्स को हार्म पहुंचाते हैं। आज मैं आपको एनिमल को सुरक्षा देने वाले नियमों की जानकारी बताने वाला हूँ। इन नियमों की जानकारी हर सिटीजन को होना चाहिए। आपने देखा होगा अक्सर इधर उधर भटकने वाले कुत्ते को मारने की खबरें सामने आती हैं। किसी भी एनिमल पर वार करना या उसे मारना गैरकानूनी है। इंसानों की तरह जानवरों के भी अधिकार हैं जो सरकार ने बनाई है उनकी सुरक्षा के लिए। जैसे किसी भी ऐसे व्हीकल में एनिमल को नहीं ले जाया जा सकता जिसमें उसे असुविधा हो, ऐसा करना दंडनीय अपराध है। इसी तरह एनिमल के एग को नष्ट नहीं किया जा सकता, ये भी गैरकानूनी है। ऐसा करने पे आपको 25,000 तक का जुर्माना लग सकता है। इसके साथ ही 7 साल की सजा भी संभव है अगर अपराध बहुत संगीन हुए तो। पहला है, एनिमल को मारना या अपंग करना दंडनीय अपराध है, आईपीसी सेक्शन 428 और 429। सेकंड, एनिमल को छोड़ने पर आपको 3 माह तक की सजा हो सकती है, सेक्शन 11। थर्ड, किसी भी एनिमल मुर्गा मुर्गी को स्लॉटर हाउस के अलावा कहीं भी मारा नहीं जा सकता। बीमार और प्रेग्नेंट एनिमल को मारना भी प्रतिबंधित है। फोर्थ, एनिमल को ज़रूरत के मुताबिक फूड वाटर शेल्टर ना देने पे फाइन के साथ 3 महीने की सज़ा हो सकती है, सेक्शन 11। फिफ्थ, बंदरों को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत सुरक्षा मिली है, उन्हें पाला या प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। सेवन्थ, आपने कई बार देखा होगा भालू, बंदर, टाइगर, चीता, लॉयन या बैल को ट्रेंड करके इंटरटेनमेंट के पर्पज से इस्तेमाल करना और एनिमल की बलि देना भी गैरकानूनी है, पीसीए एक्ट 1960 के तहत। सेवन्थ, जू में एनिमल से छेड़छाड़ करना या उन्हें डिस्टर्ब करना दंडनीय अपराध है, ऐसा करने पर आपको 25,000 तक का जुर्माना भी लग सकता है। एट, एनिमल को बंदी बनाना, फंसाना, जहर देने पे 25,000 तक का जुर्माना और 7 साल तक की सजा संभव है। नाइन्थ और आखिरी, हर सिटीजन और हर ह्यूमन बीइंग की ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि वे सभी लिविंग क्रिएचर के प्रति सहानुभूति रखे। हम जानते हैं कि जानवर बोल नहीं सकते, लेकिन उनकी भी भावनाएँ होती हैं जिसे वे व्यक्त नहीं कर पाते। वे अपनी भाषा में करते हैं जिसे वे उनके साथ ही समझ पाते हैं। आशा करता हूँ आपको ये न्यूज़ पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब, कॉमेंट करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और वियर्ड न्यूज़ जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।